अब तक आपने बहुत सारे तिरंगा झंडा देखा होगा, लेकिन इतना विशाल तिरंगा आपने कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, ये अकोढ़ी गोला में तिरंगे झंडे के साथ जुलूस निकाला जा रहा है और देख सकते हैं आप कि कितना लंबा है। बताई जा रही है कि इसकी लंबाई 101 फीट है। आज 15 अगस्त है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। आज के दिन जहां सभी लोग अपने छोटे छोटे झंडों के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं पर बराढ़ी गोला और अकोढ़ी गोला की तरफ से इतना विशाल और इतना लंबा चौड़ा झंडा तिरंगा निकालकर सबको उन्होंने हैरान कर दिया। जी हाँ, अगर आपने ये जुलूस नहीं देखा, इतना बड़ा तिरंगा को नहीं देखा, तो आपने क्या देखा फिर? आप बहुत कुछ देखने से चूक गए हैं। ये अकोढ़ी गोला में जुलूस निकाली जा रही है और आश्रम से निकला है। अकोढ़ी गोला और बराढ़ी गोला की तरफ से इस जुलूस को निकाला गया है, इतने लंबे झंडे को। ये काफ़ी लंबा झंडा है। जितने भी लोग आते जाते रास्ते पर थे, सब रुक रुक कर देख रहे थे कि बाप रे बाप, इतना विशाल झंडा। तो खैर, कोई बात नहीं, आपने नहीं देखा तो आप अब देख लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि इतने लंबे झंडे को देखकर आपको भी ज़रूर हैरानी हुई होगी। इतने लंबे झंडे को देखकर किसी को भी हैरानी होनी स्वाभाविक है। इधर एक लंबा झंडे के साथ जुलूस निकाला गया और उधर चंदा स्कूल के छात्रों ने कमाल कर दिया। आज उन्होंने ऐसे रंगारंग कार्यक्रम पेश किए कि सब देखकर खुश हो गए, सबका दिल गदगद हो गया। सभी बच्चों ने मिलकर, किसी ने डांस पेश किया, किसी ने गीत गाया, तो किसी ने स्पीच दी। सभी ने अपने अपने कर्तव्य दिखाए और इसमें सब के सब बहुत ही खास कार्यक्रम पेश कर रहे थे। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ की शिक्षिकाओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। देखिए बच्चे किस तरह से नृत्य पेश कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ढंग से। लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक ऐसा कुछ करते ही नहीं, ना तो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, ना तो कोई कार्यक्रम करवाते हैं, लेकिन ये पल वैसे लोगों के गाल पर ज़ोरदार समाचार है। दरअसल यहाँ के अभिभावक को ही कोई चिंता फिक्र नहीं रहती अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर। ना तो स्कूल कभी आते हैं, ना तो कभी टीचर से मिलते हैं, ना तो अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं, ना उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कभी बात करते हैं। आज ही देखिए इतने सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी अभिभावक का कोई पता नहीं है। कोई भी घर के अभिभावक, किसी भी बच्चे के अभिभावक या गार्जियंस नहीं आया यहाँ पर। और यही प्राइवेट स्कूल में अगर बुलाया जाता है गार्जियन को, या प्राइवेट स्कूल में गार्जियन को इनवाइट किया जाता है, तो वो शौक से जाते हैं, लेकिन यहाँ सरकारी स्कूल में कोई नहीं आता है। टीचर के अनुसार यहाँ पर 400 लड़कों का नामांकन है, लेकिन 150 बच्चे ही पढ़ने के लिए आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बच्चे योगा डांस कितनी खूबसूरती के साथ कर रहे हैं। बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उनको सही रास्ता और सही मार्गदर्शन किया जाए तो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ गार्जियन का होता है। अगर गार्जियन सही हो तभी टीचर कुछ कर सकता है, गार्जियन ही सही ना हो तो टीचर क्या कर सकता है भला। और ये देखिए मुखिया जी का आगमन हुआ है और मुखिया मुन्ना पासवान भी यहाँ पर पधारे हैं और वो कुछ कह रहे हैं अपने भाषण में। छोटा स्थिति में है, पढ़ रहा है कि नहीं दिख रहा है, घर से पढ़ाई नहीं कर रहा है और स्कूल में गति होना करके बोलते हैं कि बेटा मेरा पढ़ ही नहीं रहा है। भैया 45 मिनट की घंटी में जो मेरा सिलेबस में है टीचर लोग वही तो पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे आम भूमिका हमारे गार्जियन लोगों की है कि थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि आज का बच्चा कल का होगा। और अंत में मुखिया जी ने सभी बच्चों को अपने हाथों से इनाम बांटा। काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं, अगर इनको सही राह दिखाई जाए और सही शिक्षा दी जाए तो। बस कमी थोड़ी बहुत गार्जियनों की है। देखिए यहाँ पर गांव में भी झंडा फहरा रहे हैं लोग दूसरे गांव में।
हर जगह आज झंडे का माहौल रहा। ये बच्चे भारत माँ की जय का नारा लगाते हुए। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं या आप अपने आसपास की घटनाओं को जानते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा।